पुलिस अपराध में कैसे होती है और मैं उसको तो एकदम रेडी गेटवे वाला ठीक है तो फिर हम मस्ती करने वाले हैं, पतंग उड़ाने वाले हैं, पतंग बहुत से काटने वाले हैं और शायद सोच सकते मैं भी कट रहे हैं पतंग ठीक है। तो चलता आपको दिखाता हूँ जयपुर की संक्रांति कितनी शानदार होती है और ऐसे हम रहने के बाद भी में पहली संक्रांति तो बहुत ही स्पेशल है तो हम देखते हैं कितना मजा आने वाला है और आप लोग भी मजे कराता हूँ ब्लॉग के अंदर। तो चैनल को अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना ठीक है। और आप मैं चलते हैं और देखते हैं और सही बता दो यार भाई बहुत साउंड आ रहा है क्योंकि स्पीकर लगे हुए हैं आसपास और मैं गर्मी का साथ ही सुनने लगा है तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा इसलिए मुझे एयरपोर्ट लगाना पड़ा तो शायद थोड़ा बारिश हो कम हो जाए बट लाइट चीज देखते हैं क्या हाल है। एंड अभी तो शायद पतंगे थोड़ी कम होगी उड़ना लेट्स सी मैं चढ़ के आपको दिखाता हूँ सबसे टॉप वाले पे और दिखाता हूँ आज हम कितने मजे करने वाले हैं। चलो गाइस टेरेस के ऊपर तो आ गए हैं ठीक है बड़े छूट में प्रॉब्लम ये हो गई कि पतंगे तो हम नीचे भूल गए थे तो भैया भी वापस पतंगे मिल गए और टेरेस के ऊपर आ गए और काफी शायद नहीं दिख पा रहा हूँ क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है बट देखिए कि जो शेयर बताऊँ बहुत क्रेजी वाले वाइब आ रहे हैं मैं सामने का तो म्यूजिक बन रहा है मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे वाले म्यूजिक कौन सा है और कौन सा है सारे गाने मिक्सअप हो रहे हैं तो भैया भी पतंग लेके आ रहे हैं विजय से भी पतंग लेके आएंगे तो बुलाते हैं और मजे करते हैं आज पतंग वाला। भाई ये ना पतंग उड़ा रहे ठीक है और हवा बिल्कुल नहीं आ रही है पतंग उड़ी नहीं रही उनकी वो अभी भी कोशिश कर रहे देखते हैं क्या पतंग उड़ती है कि देखो तैयारी पूरी है भाई की ठीक है कोशिश पूरी कर रहे पतंग उड़ाने की देखते इनका कहना है कि हवा नहीं आ रही है और पूरे जगत की अभी पतंगे उड़ रही है पर इनके पतंग नहीं उड़ रही है लंबी किसने की थी सबसे पहले हाँ इनकी लंबी थी सामने वाले पेड़ तक ठीक है कोई अटकी नहीं है आप देखते हैं इनकी पतंग कितनी लंबी होती है उसके अंदर बड़ी ब्लॉक्स के हाँ हाँ पतंगे बहुत बढ़िया देख तो उड़ा पाता कि नहीं बात तो वो है ना आप देखते हैं भैया की पतंग कहाँ तक जाती है अभी तक तो उड़ी नहीं इनकी एक पतंग उड़ाई वो भी इन्होंने नीचे उतार दी आप देखते हैं भगवान ही लाज जग सकता है अब तो इनकी देखते हैं कितना जाता है इनके पतंग आगे उड़ा उड़ाओ शूट हो रहा है सब सब भैया ने तो हाय मान लिए और तारीफ खूब ले रही है मैं तो पतंग पतंग कैसे उड़ाते हैं असली वाला केड़े वाले स्टाइल में ठीक है अब आपको दिखाता हूँ आप एंजॉय करो कैसे उड़ाते हैं असली खतरनाक वाली पतंगे पतंग आ रही है एक हमारे साइड में कट के पर मुझे लगता नहीं ये भी हमको मिलने वाली है ये जाएगी एज यूजल नीचे और नीचे ऑलरेडी यहाँ बच्चे कितने सारे पहुंच चुके हैं लूटने के लिए डाबे ये वाले आ गए अपनी छत पे चलो एक पतंग हमारी छत पे आ चुकी है तो हम भी ले लेते हैं अब आ ही गई है पतंग तो सो ये लो गाइस एक पतंग तो कट के मिली कम से कम देखो कितनी पतंगे तुम लोग खरीद रहे हो कितने पैसे खर्च कर लो पर पतंग जो कट के आती है ना उसका लेने का मजा अलग है तो इस काली पतंग को भी हम उड़ाएंगे अभी मजे लेंगे बहुत सारे आज तो केड़े वाले एकदम और नीचे बच्चे देखो यार नहीं मिली बच्चों को पतंग क्योंकि एक पतंग कट के हमारे पास तो आगे नहीं चलते हमने वो ले लिए मैंने आप सही बताओ पतंग उड़ाने से ज्यादा कटी हुए पतंग जो कटी हुए पतंगे उड़ा रही ना छत पे उनको लेने में मजा आ रहा है तो मेरा तो पतंग उड़ाने से लूटने का मन हो रहा है बट ठीक है अब उड़ाते हैं पतंग फाइनली उड़ाते हैं एक्चुअली भैया को चैलेंज दिया था अब अपन काटेंगे बहुत सारे पतंगे ऐसा आसमान साफ कर देंगे देखो अब तुम लोग एंजॉय करो।
गाइस अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे पतंग उड़ाते हैं, देखना ध्यान से, ठीक है? चलो गाइस, मेरे भैया है ना, मेरे को चैलेंज करे कि जो पतंग उनसे नहीं उड़ी थी ना, मुझे वही वाली पतंग उड़ानी है, ठीक है? तो मैं उनको वही वाली पतंग उड़ा करके दिखाऊंगा, पतंग वहाँ पड़ी है और वही वाली पतंग उड़ाऊंगा। देखो आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाली पतंग भैया से उड़ी नहीं थी, अब ये मैं उड़ा के दिखाता हूँ आपको। देखो पतंग कट गई, पर कोई बात नहीं, अभी बहुत सारी पतंगें पड़ी तो सारी कुर्बान करूंगा आज तो। मैं या तो कटवाऊंगा या काटूंगा, आज खत्म नहीं करूंगा यार। गाइस मजा तो बहुत आया पतंग उड़ाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पतंग कट रही है, लेकिन मैं दो पतंग काटी और अफसोस ये है मेरी भी दो पतंग कट गई है। क्या कोई नहीं, मजा बहुत आ रहा है, और पतंगें पड़ी है। भैया बाहर गए, जैसे भैया आते हैं उनके सारे पतंग उड़ाते हैं। या गाइस तो रात हो चुकी है, ठीक है, और अब भी टाइम है ब्लॉग को एंड करने का, लेकिन ब्लॉग को एंड करेंगे बट एक डिफरेंट स्टाइल में करेंगे। लाइट वाली पतंग लेके आए तो एक बार उसको जला लेते हैं। मैं तो उसको लाइट वाली पतंग बोलता हूँ, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बट शायद से नाइट लैम्प और समथिंग बोलते हैं। तो एक बार उसको जला के उड़ा देते हैं और फिर करते हैं ब्लॉग को एंड, ठीक है? चलो आपको दिखाता हूँ वो लास्ट चीज भी कर ही लेते हैं, इतना सब कराया था, बहुत मजा आया आज। चलो ऊपर करते हैं, और थोड़ा अंधेरा रहेगा तो एडजस्ट कर लेना यार, तुम लोग यार ठीक है कर लेना, और ये वीडियो जाने चाहिए वायरल। लाइट बल्ब हमने उड़ा दिया है, संक्रांत आज भी खत्म हुई, सब जाओ अपने अपने घर, हैप्पी मकर संक्रांति। मेरे और मेरे पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, शेयर कर देना, वायरल कर देना, और 20,000 व्यूज के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है? और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय निकी, बाय कर दो सबको, निकी बाय, ओके बाय गाइस।